हेलो गाइस, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ज़बरदस्त से रोल जिसका नाम है चिकन चीज़ी मलाई रोल, जो बहुत ही टेस्टी और डिलिशियस बनता है। रेसिपी पूरी जानने के लिए एंड तक ज़रूर देखना। अगर अपने चैनल पे न्यू हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूले। सबसे पहले हमें चिकन मैरिनेट करना है, इसलिए यहाँ पर मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन ली हूँ छोटे छोटे स्ट्रिप्स में या पीसेस में। और फिर इसे हमें सबसे पहले कोथमीर का पत्ता डाल देना है, इसमें हमें 3 टेबल स्पून। फिर यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 4 टेबलस्पून दही, फेट कर डाली है मैंने यहाँ पे, ये नॉर्मल दही है, खट्टी नहीं है। फिर हमें डालना है 2 टेबलस्पून भर कर अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर यहाँ मैंने मिर्ची काट के रखी थी तो 4 मिर्ची काट के डाल देना है हमें। और फिर यहाँ पे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालना है अच्छी कोटिंग के लिए हमारी। और फिर यहाँ पे कुछ मसाले हैं, चिली फ्लेक्स, चाट मसाला पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और चिकन मसाला। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप चिकन क्यूब भी यूज़ कर सकते हैं। और सबके मेजरमेंट स्क्रीन पर लिखा है। फिर इन सबको डालकर हमें इसमें 2 टेबलस्पून तेल डालना है। और फिर इसे अच्छे से मिला के हमें आधा घंटा मैरिनेट करना है। फिर हमेशा की तरह मैं नमक डालना भूल गई थी तो नमक डाल के भी इसे मिला लीजिएगा। फिर हमारी रोटी बनाने की तरफ चलते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 3 कप मैदा ली हूँ और उसमें मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून शुगर, 2 टेबलस्पून तेल और 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाली हूँ। आप चाहे तो आधा मैदा आधा गेहूँ का आटा यूज़ कर सकते हैं, पर इससे ज़्यादा टेस्टी बनता है। फिर हमें यहाँ पे हमारा नॉर्मल आटा जैसा गूंदते हैं वैसा हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के इसे अच्छे से गूंद लेना है हमें। ज़्यादा नरम भी नहीं करना है, ज़्यादा सख्त भी नहीं करना है, तो आप ध्यान से गूंदिए। यहाँ पे मुझे पूरा 1 कप भर कर मैंने पानी यूज़ किया, आपको जितना लगता है आप उतना यूज़ करिए। फिर ये देखिए अच्छे से मेरा आटा गूंद गया था, तो फिर उसमें मैंने अच्छे से मुक्की मार के इसे साइड में रख दी थी आधे घंटे के लिए ढक कर। फिर हमारा जो मैरिनेटेड चिकन है उसे पकाने के लिए यहाँ पे मैंने एक पैन में 2 टेबलस्पून बटर डाल दी हूँ और फिर हमारा चिकन डाल दी हूँ। दो 2-3 मिनट इसे हमें चला लेना है, फिर इसे हमें ढक कर पका लेना है 15 मिनट लो फ्लेम पर एकदम, जब तक हमारा चिकन पूरी तरीके से पक नहीं जाता। ये देखिए पूरा पानी छोड़ चुका है हमारे दही ने और चिकन ने, तो फिर हमें इसका पानी पूरा सुखा कर लेना है। आप चाहे तो इसे एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। ये देखिए आपको इसका पूरा पानी सुखा लेना है, तब हमारा चिकन एकदम तैयार रहना है। ये देखिए तैयार हो गया हमारा चिकन। तो फिर चलिए हमारी रोटी बना लेते हैं हमारे फ्रैंकी रोल के लिए। फिर इसे मैंने देखिए एकदम मेरा आटा सॉफ्ट हो गया था, इसके लिए और 2-3 मिनट उसे मैंने हाथ से गूंद लिया। फिर ये देखिए मस्त बन के तैयार है। तो इसे हमें छोटे छोटे साइज़ के, एक ही मीडियम साइज़ के हमें इसके पेड़े बना के ले लेने हैं। ये देखिए मेरे हाथ में इतना आया, मतलब एक हथेली से थोड़ा कम। ये देखिए पाँचों भी मैंने अच्छे से पेड़े बना लिए। फिर एक पेड़ा लेना है हमें और उसे आटे में डुबाना है। फिर धीरे धीरे हाथ से हमें इसे अच्छे से गोल बेल लेना है। अगर आपको इसे बेलना नहीं आता हो तो आप कोई भी शेप में उसे बेल लीजिए और एक बड़ी सी प्लेट या कटोरा लेकर उसे सर्कल काट लीजिए। मैंने इसे गोल बेल ली, अगर आपको नहीं आता तो आप भी ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए, आप भी इसे बना सकते हैं। ये देखिए ऐसा गोल इसे बना लेना है हमें। तो चलिए अभी हमारी रोटी सेकने का टाइम आ गया है, तो यहाँ पे मैंने तवा गरम कर ली थी और फिर मैंने इसे डाल दी। फिर 30 सेकंड के बाद इसमें पूरा बबल्स आ गए थे लो फ्लेम पर, तो फिर मैंने उसे पलटा के गैस का फ्लेम हाई करी और फिर इसे भी मैंने 2 से 3 मिनट पकने दी। और फिर इसके बाद मैंने इसके ऊपर हाथ से सेकी मेरे रुमाल से। ये देखिए धीरे धीरे हाथ से हमें इसे सेकना है, फिर वापस इसे पलटाना है और फिर इसे वापस से हमें सेकना है। फिर हमारी रोटी एकदम बनकर तैयार है। ये देखिए रोटी तैयार होगी। अब हम हमारे सॉस की तरफ जाते हैं, तो मैंने एक पैन में बटर डाली 1 टेबलस्पून और उसमें मैंने 2 टेबलस्पून गार्लिक चॉप करके डाल दी एकदम बारीक काट कर। और फिर इसे 1 से 2 मिनट मैंने सॉटे कर ली और फिर मैंने यहाँ पे 1 कप भर कर मेयोनीज डाल दी और इसे भी मैंने अच्छे से मिला ली। फिर 2-3 मिनट बाद हमें इसमें डालना है हमारा फ्रेश क्रीम। यहाँ पे मैंने 3/4 कप फ्रेश क्रीम यूज़ की। 3/4 आपको नहीं समझता तो आप 4 टेबलस्पून भरकर फ्रेश क्रीम डाल दीजिए
और फिर यहाँ पे मैंने कोथमीर डाली काट के, एक टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, एक टीस्पून चाट का मसाला डाली और फिर इसे भी अच्छे से मैंने भून ली। ये देखिए ज़बरदस्त हमारा सॉस तैयार है। अब इसमें हमारा जाएगा ये चिकन। ये देखिए हमारा चिकन भी कितना बढ़िया लग रहा है। इन दोनों को हमें अच्छे से मिला लेना है। लास्ट में हम इसमें डालेंगे एक चीज़ क्यूब। ये ऑप्शनल है पर इससे टेस्ट अच्छा आएगा। ये देखिए चीज़ क्यूब डाल देना है हमें इसमें और फिर इसके बाद हमें इसमें चम्मच नहीं लगाना है। फिर यहाँ पे चलो हमारा रोटी फ्राई करने के लिए हम दो अंडे एक बाउल में तोड़ लेंगे और फिर इसमें हम डालेंगे नमक, चिली फ्लेक्स और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। फिर हमारी रोटी फ्राई करने के लिए हम यहाँ पे आधा कप तेल डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा तेल नहीं पसंद है तो आप उससे कम भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम रोटी को अच्छे से हमारे ये अंडे वाले बैटर में डालेंगे और इसे अच्छे से अल्टी पल्टी पूरी तरीके से कोट कर लेंगे हर जगह से और फिर इसे हम फ्राई करने डाल देंगे। ये देखिए फ्राई हमें लो फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर ही करना है। ध्यान से करिए, हमारी रोटी जलना नहीं चाहिए। फिर ये देखिए एक दो मिनट के बाद हम इसे पलटा देंगे और फिर इसे अल्टी पल्टी करके हम फ्राई करते रहेंगे। तकरीबन 3 मिनट लगा मुझे इसे अल्टी पल्टी करके फ्राई करने। फिर हमारी रोटी एकदम बनकर तैयार थी। ये देखिए एकदम मस्त फ्रैंकी जैसी रोटी घर पर आसानी से ही बन जाती है। ये देखिए यहाँ पे मैंने 4 रोटी तैयार की हूँ, बाकी का आटा मैंने फ्रिज में रख दी हूँ। ये देखिए मस्त एकदम सॉफ्ट रोटी बनकर एकदम तैयार थी, एकदम रेडीमेड रोटी जैसी ही लग रही थी हमारी ये रोटी। ये देखिए तो अब हमने हमारा यहाँ चिकन तैयार करके रखे थे, ये वो हमारा चिकन है और फिर हमारी रोटी है। और यहाँ पे मैंने एक सॉस तैयार की हूँ जिसमें मैंने आधा कप मेयोनीज और 3 टेबलस्पून शेजवान चटनी डालकर एक बना दी थी। अगर आप ये नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप कर दीजिए, पर इससे भी और ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। आप इसमें टमाटो सॉस भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको टैंगी फ्लेवर पसंद है। मुझे नहीं पसंद तो मैंने इसे नहीं ऐड किया है। फिर यहाँ पे मैंने सॉस को अच्छे से रोटी पर लगा दी, फिर चिकन लगाई और फिर उसके बाद मैंने थोड़े से अनियन बारीक कट के रखी थी तो उसे भी मैंने ऊपर से ऐसे डाल दी। फिर इसे हमें ध्यान से अच्छे से रोल कर देना है और एक टूथपिक की मदद से हमें इसे जोड़ लेना है फिलहाल के लिए। फिर बाद में हम इसे नीचे फॉइल से रैप करेंगे और टूथपिक निकाल देंगे। ये देखिए अब मैंने यहाँ पे धीरे से टूथपिक निकाल दी और एक फॉइल को कट कर कर मैंने इसे अच्छे से रैप कर दी। ये देखिए तो फाइनली ज़बरदस्त सा हमारा चिकन मलाई चीज़ी रोल एकदम बनकर तैयार है, जो खाने में तो बहुत ही लाजवाब था। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।